गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वाहित मलुक चार में सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के चैप्टर में हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर और शहरों से वेस्टेज जल का एक बहुत बड़ी मात्रा है ना निकलता है, और इस व्यर्थ जल का या वेस्टेज वाटर का जो मुख्य स्रोत है, घटक है, वो मनुष्य का मलमूत्र होता है, सीवरेज का जल होता है, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलाप से निकलने वाला जल, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, नहाना, लेटरिन बाथरूम, ये सब का जो जल है वो बहुत बड़ी मात्रा में शहर से, बड़े जितने बड़ा शहर उतना ज़्यादा सीवरेज का पानी जो है वो निकलता है। और इस वेस्टेज जल को ही वाहित मल या सीवेज कहा जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की एक बड़ी मात्रा और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोग कारक होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, और इनकी बड़ी जो मात्रा होती है या जो शहरी वेस्टेज वाटर होता है, इसका रोजाना निपटारा करना जरूरी होता है। इसे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी झरना में सीधा विसर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे नदी झरने जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। इसलिए इन जल को, वाहित मल का जो उपचार होता है, उसको नदी या झरने में डालने से पहले उसको संयंत्र में उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। और इस वेस्टेज जल का उपचार जो है वो परिपोषित सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है जो कि वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। और ये उपचार दो चरणों में संपन्न होता है, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन या फिल्ट्रेशन और अवसादन या सेडिमेंटेशन के द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इनको भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। सबसे पहले तैरते हुए कूड़े करकट को निस्यंदन के द्वारा हटा दिया जाता है, छानकर हटा दिया जाता है। इसके बाद शीत बालू काश्म यानी ग्रिट मृदा और छोटे पुटिकाओं पेबल को अवसादन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। अवसादन प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में, है ना, तो इसके द्वारा इसको अलग कर दिया जाता है। और जो ठोस प्राथमिक अपंक स्लज नीचे बैठे कण होते हैं और प्लावी सुपरनेंट बहिश्रावी इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है, बहिश्रावी को प्राथमिक निष्पादन यानी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यानी द्वितीयक उपचार के लिए फिर लेके जाया जाता है। द्वितीयक उपचार अथवा जीव वैज्ञानिक उपचार में क्या किया जाता है, जो प्राथमिक बहिश्राव होते हैं उनको बड़े वायवी टैंकों से गुजारा जाता है। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, वाहित मल संयंत्र का वायवी टैंक का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, है ना, ये वायवी टैंक दिखा रहा है। तो यहाँ पर लगातार यांत्रिक रूप से इसको हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है, हवा जो है वो बहुत तेजी से इसके अंदर भेजा जाता है। इससे लाभदायक वायवी सूक्ष्म जीव का जो प्रबल सशक्त वृद्धि वर्णक होता है, ऊणक होता है, कवकी तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना का झुंड इसमें होने लग जाता है, बनने लग जाता है। वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्म जीव बहिश्राई में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। ये बहिश्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, इसके महत्वपूर्ण रूप से घटाने लग जाता है। बीओडी ऑक्सीजन के उस मात्रा को संदर्भित करता है, उस मात्रा को कहते हैं जो जीवाणु द्वारा एक लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत करके उनको ऑक्सीकृत कर देता है। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट ना जाए, कम ना हो जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों के द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। जिस जल का बीओडी का मान जितना कम होगा वो उतना ही प्योर होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो प्रदूषित होगा। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का मापन
बीओडी ही है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब उसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होता है। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाता है तब बहिस्राव को निस्यादन या सेडलिंग टैंक में भेजा जाता है, जहां पर जीवाणु झुंड यानी प्लॉक्स जीवाणुओं का जो गुच्छा होता है उसे अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। ये अवसाद सक्रियत आपंक कहलाता है। सक्रियत आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे के वायवी टैंक में भेजा जाता है और ये आपंक फिर निवेश द्रव के रूप में कार्य करता है। इसका जो बचा खुचा भाग होता है वो बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जहां पर अवायवी आपंक संपाचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इसको कहते हैं। यहाँ जीवाणुओं की जो दूसरी किस्में होती हैं वो अवायवी रूप से वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। वे आपंक में जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं उनका पाचन कर देते हैं। तो इस प्रकार इस पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे कि मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब उत्पन्न करते हैं और इसे बायोगैस कहा जाता है। इससे बायोगैस का निर्माण किया जाता है। चूंकि बायोगैस जो है वो ज्वलनशील होता है, इस कारण इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो बहिस्राव होता है ये जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी झरने में फिर छोड़ दिया जाता है। वाहित मल उपचार संयंत्र का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, आकाशीय चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार ये संयंत्र होते हैं, बड़े बड़े संयंत्र बड़े बड़े टैंक के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव प्रतिदिन विश्व भर में जो वेस्टेज वाटर है उसका लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बगैर इतनी बड़ी पैमाने पर जो वेस्टेज जल होता है उसका उपचार जो है वो संभव नहीं है। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है और आजकल कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिक वाहित मल के सूक्ष्म जीव उपचार के सामने ये नहीं टिक पाए। बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा आजकल उत्पन्न हो रही है और वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा का को उपचारित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए उपचारित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, इसका उपचार नहीं किया जाता है, इसको प्रदूषित जो प्रदूषण को है वो दूर नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या जो है वो कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन एनान और यमुना एक्शन एनान जैसे योजनाओं का सूत्रपात किया जरूर है, लेकिन इन योजनाओं के तहत जो एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदी में छोड़ा जा सके, लेकिन ये भी उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट में नहीं आया है। अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वाहित मल उपचार संयंत्र में अगर आपको मौका मिले तो आप जाओ, उसका स्टडी करो और जो और उसके बारे में जानकारी हासिल करो। ये बहुत ही एडवेंचरस शिक्षाप्रद टूर होगा आपके लिए। तो अगर आपको अगर इस टाइप का संयंत्र कुछ देखने मिलता है तो उसका आप देखिए, घूमिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल जो है वो इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।